मत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है, लंगड़ी सरकार है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज है कमलनाथ सरकार का। कल भी बैठा कोई, कई लोगों ने विरोध के सुर भी उठे कि स्थिति गंभीर है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा तो पहले दिन से कह रही है कि सरकार गिरेगी, लेकिन सरकार गिरी गया, 5 महीने हो गए सरकार को। और जहाँ तक अल्पमत की बात है तो सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर चुकी है, सदन में सिद्ध कर चुकी है 2-3 बार, अध्यक्ष के चुनाव में की है, उपाध्यक्ष के चुनाव में बहुमत सिद्ध किया है, तो इस बात में कोई दम नहीं है कि सरकार गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जनता के बीच। अगर ये बात अगर भाजपा चाहती है कि उन्हें सरकार गिराना है, हालांकि वो कह नहीं रहे लेकिन अंदर खाने चल रहा है, तो उनका सबसे सॉफ्ट टारगेट है बसपा, सपा और निर्दलीय। आप बसपा से आते हैं, बसपा के 2 विधायक हैं, आप लोग का क्या मत है? मतलब आप लोग कमलनाथ जी के साथ हैं या ऐसी कोई आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है? नहीं नहीं, हम लोग कमलनाथ जी के साथ हैं और ऐसा तो ऑफर मिला भी नहीं है। जहाँ तक संपर्क और संबंध की बात है तो मेरे सबसे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही मैंने काम किया है पहले, कुछ परिस्थितियां थी मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन आज हम कमलनाथ जी के साथ हैं और पार्टी के निर्देश के साथ हैं। पार्टी का निर्देश है और लाइन है कि सरकार के साथ रहें, तो सरकार के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी तो दावा कर रही है कि कुछ जो यहाँ के छत्तप हैं, मतलब बड़े जो नेता हैं, सिंधिया टाइप के नेता जो हैं, वो भाजपा के टच में इस समय, क्योंकि उनका ये कहना है कि कमलनाथ ने अपने बेटे को प्रशासनिक दम पर जिता लिया लेकिन बाकी लोगों को जानबूझ के हरवा दिया। अब ये तो देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसका चिंतन राहुल गांधी जी को करना चाहिए कि क्या केस देती है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बता सकते, हम तो अपनी पार्टी के बारे में बता सकते। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी बात हो रही है, मैंने पहले ही कहा कि ये तो उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस के। चलिए, राम भाई कह रही है उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर आ रहा है, उन्होंने तो फोन भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया, वो आपकी की पार्टी से है, इसलिए आपसे सवाल जायज है। अब मैंने सुना नहीं ऐसा, आप बता रहे हैं तो मैं देखूंगा, वैसे मैंने सुना नहीं ऐसा उन्होंने कहा है। आपको लगता है कि कोई खतरा है सरकार गिरने का? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई खतरा है, सरकार स्थिर है और मजबूत है।